अभी हम सुपौल में ही, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर हैं, इन्हीं के यहाँ जो कुछ दिन पहले दिखाया भी था वीडियो में कि इंडोर यूनिट का जो है स्विंग मोटर को चूहा जो है काट दिया था, तो उस टाइम स्विंग मोटर ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन सर का कहना था कि इधर से चूहा घुस जाता है तो उसको जो है डिसमेंटल कीजिए, रीइंस्टॉल कीजिए उसको, इंडोर को उधर घसकाइए। तो आज वही करने के लिए आए हैं और काम अपना शुरू करते हैं। यहाँ पर आज मेरे साथ जो है पंकज भाई आए हुए हैं। एक बार तो हम पहले ही चेक किए हुए थे इनको, जो स्विंग मोटर काटे हुआ था। आई कल जो है ये भी आए थे चेक करने के लिए, तो इसमें जो है ऐसी स्टेन एरर आ रहा है, मतलब मोटर का एरर शो कर रहा है। तो इन्हीं के साथ आए हुए हैं कि आज इनको डिसमेंटल करके दूसरी जगह, मतलब यहीं पे सरकार के लगा देना है। और ये सी एस टेन जो एरर आ रहा है उनको भी देखना है, शॉर्ट आउट करना है। लाइक आता है कि नहीं, लाइक आता है कि नहीं वीडियो में, डालते जो है। मम्मी देख रहे हैं दूदू को तार काटे हुआ है, तो कहीं CH10 एरर ना मारे हैं, ललको को काटे है, आई बुलुक्को को काटे है, दू गो तार काटे है चूहा इसके अंदर। चला हरकंप मचल है यहाँ पर। स्विंग मोटर तो पहले से देख लें, पहले भी दिखाए थे कि काटे हुआ था। और यहाँ एक और, मतलब दोनों स्विंग मोटर है, ये भी स्विंग मोटर है, इसमें दू गो स्विंग मोटर है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो दोनों को काट ले। जे जे तार को काट ले है चूहा, ओकरा छिल छिल के जोड़ के एक बार लाइन दे के चला के देखते हैं एरर जो भागता है कि नहीं। वैसे भाग जाना चाहिए, क्या कि तार जो काटा है चूहा उनको जोड़ने पर भाग ही जाएगा। और काटा भी है तो बीचे से काटा है, ऐसा नहीं कि जोर से काटा है, जो हमारा दिक्कत होता जोड़े में, तो हम आराम से जोड़ लेंगे। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक चलेगा। पाइप सेंसर को दिक्कत तो करेगा दीदी। तार जोड़े पे है एसी, चल गया मोटर जो उनका चल गया। वैसे वो जब तक चलता नहीं तब तक हम गैस को स्टोर नहीं कर पाते, और गैस स्टोर नहीं होता तो उधर करते भी नहीं, क्या कि गैस ही निकल जाता। चल गया है, अब हम एलंकी फैलंकी लेके चढ़ दिए हैं ऊपर छत्ती पे, तो रखल है आउटडोर, गैस स्टोर करेंगे, आउटडोर वहीं के वहीं रहेगा, खाली इंडोर वा घसकाना है। आ गए हैं गैस को लॉक करने के लिए। गैस लॉक करने के बाद उनको नीचे उतारना है, थोड़ा सा उधर सरकाना है। यार उससे सलाह रेंज मांग लीजिए, लाइए ये दी। भोंसड़ी के सब चूहा है, ही देखे घुसा है, ये देखे जगह मिल गया हरामी को, साला घुस करके जो तहस नहस कर दिया अंदर। कैमरा पे जो है साला मट्टी लग गया, अब साफ हो गया। बोलिए एसी को बंद करने के लिए, बोलिए एसी बंद करेगा, बंद कर दीजिए ऐसी।
गैस रिस्टोर करने के बाद अब इस यूनिट को नीचे उतारेंगे और थोड़ा सा बाएं की तरफ सरकाएंगे। पीसीबी खोल के वहीं रख दीजिए वेंटिलेटर पे। बीच में आ जाएगा स्टेबलाइजर, बीच में आ जाएगा, नहीं होगा काम कर पाए, बीच में स्टेबलाइजर आ जाता है। ऐसा करो ना, नहीं तो बेड को इधर खींच। नहीं नहीं वो आ जाएगा। दोनों वेंटिलेटर के सेंटर में प्लेट ठोकेंगे, नहीं तो इधर ज़्यादा करेंगे तो इधर से फिर हॉल रह जाएगा, उधर ज़्यादा करेंगे तो उधर से रह जाएगा। प्लेट तो ठुका गया है, अब ये इंडोर यूनिट का पाइप भी सही जगह से सही लोकेशन पर बेंड करना है ताकि वो जो वेंटिलेटर से निकल जाए, क्योंकि इधर से सरका करके लगा हुआ था तो ये तो ज़्यादा ये कम पर मुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा है तो थोड़ा आगे से मुड़ाएगा इसका। टेप लगा लीजिए जहाँ कटल था तार तार। इतना मोड़ने के बाद जो ऐसे सेट कर दिए हैं, अब इनका पीसीबी सेट कर देने। प्लेट तो ठुका गया था, बस इंडोर यूनिट रखना था और जितना पाइप मोड़ना था उनको मोड़ने के बाद बस रख दिए प्लेट पर। अब देखिए ये एसी जो है दोनों वेंटिलेटर के सेंटर में है, न इधर से स्पेस है पीछे से चूहा को घुसने के लिए और न ही इधर से स्पेस है पीछे से चूहा को घुसने के लिए। स्पेस जो है दोनों ख़त्म हो गया है, जिससे इस वेंटिलेटर से जो है चूहा डायरेक्ट एसी के अंदर पीछे से घुस सके। तो यही चीज़ करना था जो कि हम कर दिए हैं, काम जो लगभग लगभग पूरा हो गया है। और वो साइड से जो सिर्फ पाइप निकला है वो हल्का सा है जिसमें हम टेप मार देंगे, बाकी जो है मेजर फॉल्ट ख़त्म हो गया। एक ही सीढ़ी है जिसको अंदर भी लगाना है बाहर भी लगाना है, तो सीढ़ी ले आए हैं और गैस को रिलीज कर देते हैं पाइप को कनेक्ट करके। पाइप कनेक्ट करके इसके फोम को जो बढ़िया से इसी में लपेट देंगे। अब हम गैस जो है रिलीज कर रहे हैं, जैसे स्टोर किए थे वैसे ही वो खोलना है लंकी से दोनों वाल्व को। लाइरिन से कसने में साला मुँह पे मुक्का लग गया। और ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं कीजिएगा कोई कभी भी जैसा पहले हुआ था, नहीं तो बहन जो चूहा से घुस के काट देता है तार तार। हो गया काम तमाम मेरा, चलवा दिए हैं एसी, अब निकलेंगे यहाँ से।